दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्शन। तो मैं पिछले कुछ दिनों से, करीब 3 4 महीने से, मैं ऑनलाइन ऑब्जर्व कर रहा हूं एक चीज, एआई। तो आज हम आपके साथ एआई के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि एआई क्या है और क्या एआई का फ्यूचर है फिलहाल एक्सेल के रूप में। देखिए, अगर आप जाते हैं किसी इंटरनेट में, तो जैसे मैं गूगल पे एआई इन एक्सेल सर्च किया तो बहुत सारे वीडियोज है। आप जैसे यहाँ पे वहां से 99 रुपये में एआई सिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक पे भी अगर मैं जब इंस्टॉल करता हूँ तो एआई से रिलेटेड इतने सारे एड मिल रहे हैं 99 रुपये में, 100 रुपये में, 500 रुपये में। एआई के जरिए आप अपना बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि एक ऑफिस में आके डांट रहा है कि भाई तुमको रिपोर्ट बनाने में 5 घंटा लगती है, मुझे अभी चाहिए। कोई बोलता है 5 मिनट में बना दूंगा। तो क्या ये रियल में पॉसिबल है? चलिए हम इन सारे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चलिए एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, लाइव प्रॉब्लम। मैं किसी रिकॉर्डेड या किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइव प्रॉब्लम की। जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था, मैं वही क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं। देखिए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इस तरह के नंबर्स एक ही सेल में, क्या इसको आपस में सम किया जा सकता है? तो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो क्या, क्योंकि एक सेल के अंदर, मतलब अगर हम इसको दिखाएं आपको, तो एक सेल के अंदर ही इस तरह से टाइप करके डाली गई है। अगर तो मैं सम करूंगा तो ये 786 पे पूरा नंबर्स लेगा। फिलहाल तो सम करेगा नहीं, लेकिन अगर इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश किया तो प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो मैं कॉपी किया और मैं चला गया कहाँ पे, को पायलट में। चैट जीपीटी का ही चीज है, और इसमें मैंने इसे अपनी इमेज को पेस्ट किया और मैंने बोला कि माई डेटा डेटा इन वन सेल विथ रैप रैप टेक्स्ट हाउ कैन सम इन टेक्स्ट। तो इसको मैंने एंटरप्रेस किया। अब देखिए ये क्या देता है, जवाब क्या देता है, एनालाइज कर रहा है। और साथ में जो चैट जीपीटी है ना, उस पर भी आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह डाल नहीं सकते, यहाँ पे पेस्ट करने का सिस्टम नहीं है पिक्चर्स की, यहाँ पे नहीं कर सकते। 3.4 में अगर हम 4.1 अपग्रेड करना पड़ेगा, पेड है, फ्री तो है नहीं। यहाँ पे लिखते हैं कि हाउ कैन सम नंबर इन एक्सेल इफ ऑल नंबर नंबर इन वन सेल विथ रैप। देखते हैं दोनों में हमें क्या जवाब मिलता है। इतना फटाफट दे दिया। अब यहां पे देखिए, इन्होंने बताया कि आपको सम प्रोडक्ट लगाना है, ट्रिम लगाना है, मिड लगाना है, सब्स्टिट्यूट लगाना है, और यहाँ पे कैट टेन रिपीट, और इन्हें एक लंबा चौड़ा इसलिए फॉर्मूला दे दिया है। अब मान लीजिए कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किए और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, ये ज्यादा बड़ा हो गया है। तो देखिए रिजल्ट आया, रिजल्ट बिल्कुल सही आया, लेकिन आप देख सकते हैं इसने कितना लंबा प्रोसीजर को फॉलो किया है। अब इसी प्रोसीजर को अब किसी को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। कॉपी पेस्ट लगा के कर सकता है, लेकिन समझना मुश्किल होगा। अगर हम को पायलट के रिजल्ट को देखें तो को पायलट का रिजल्ट यहाँ पे बता रहा है कि आपको स्प्लिट करना है टेक्स्ट टू कॉलम में, उसके बाद आपको सम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो सोल्यूशन दिया वो सोल्यूशन उतना फायदेमंद रही, बट हाँ, चैट जीपीटी जो इंटरनेट है उसने दिया सोल्यूशन, तो चलिए रिजल्ट आया। लेकिन सोल्यूशन इतना लंबा है,
और कोई बिगनर इसको यूज कर सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं इसको खुद से करना चाहूं तो कैसे करूंगा, सिंपल लिखूंगा मैं यहाँ पे सम। देखिए मेरा नंबर, देखिए टेक्स्ट टू, यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट में इसको सिलेक्ट करूंगा, कैट 10 यहाँ भी मैं लूंगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, ये रहा चैट जीपीटी का आंसर, ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि चैट जीपीटी से इस तरह से सर्च करके उस रिजल्ट को आप मेंट करें। अब चैट में अगर रिजल्ट आपको दिया कि नहीं ठीक, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक्सेल तो आना ही चाहिए। अगर एक्सेल नहीं आता तो कैसे करें, पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहाँ पे हमारे पास अगर हम जाते हैं फाइल के अंदर, तो यहाँ पे गेट एडिंग्स में बहुत सारे वीडियो में देखेंगे, बताएंगे आपको कि यहाँ पे आप चैट जीपीटी अगर आपको बहुत सारे मिलेंगे, बने बनाए बने बनाए ऑप्शंस मिलेंगे जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एडिशनल परचेज, एडिशनल परचेज मतलब कि यहाँ पे समझ जाइए कि कुछ फ्री होगा और कुछ पेड होगा, बिल्कुल मोबाइल गेम की तरह। तो अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो पर्सनल लेवल तक इसको यूज की जा सकती है, बट किसी ऑफिस में नहीं। अब ऑफिस में इसलिए नहीं क्योंकि ऑफिस में दो दो प्रॉब्लम होगी। पहले होगी डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि अभी आप अगर एसेंचर चले जाएं, जनपथ चले जाएं, एसबीआई कार्ड चले जाएं, बैंक की बहुत सारी जॉब्स चले जाएं, तो वहां पे इंटरनेट की सुविधा अभी तक दी गई नहीं गई है। वो लोग इंटरनेट पे चलते हैं, इंटरनेट था ही नहीं उनके पास, तो उनके पास अगर इंटरनेट है ही नहीं तो चैट जीपीटी कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी, सिक्योरिटी पर्पज से भी आपको जो है चैट जीपीटी नहीं दिया। तीसरा चीज में आता है कि अब कंपनीज के ऊपर वजन बढ़ जाएगा कि उनको चैट जीपीटी की प्रो वर्जन को भी परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद इतने सारे एडिंस हैं उनको परचेज करना पड़ जाएगा, या को पायलट को परचेज करना पड़ जाएगा, और कंपनी एक दो स्टाफ के लिए खरीदेगी नहीं, बल्क में खरीदेगी। तो यहाँ पे एक इशू हो सकता है कि हर किसी के पास इसका एक्सेस ना हो। दूसरा, कि हम सीखते क्यों हैं जॉब के लिए, तो क्या चैट जीपीटी से रिलेटेड जॉब है? तो चलिए हम Naukri.com पे आते हैं, जो कि इंडिया की पॉपुलर वेबसाइट है। रहा Naukri.com, इंडिया की पॉपुलर वेबसाइट है, उस पे आते हैं। अब ये चीजें मैं इस तरह से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2007 से एक्सेल की क्लासेस दे रहा हूँ, 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स को मैंने वन टू वन क्लासेस दिया है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं MIS एग्जीक्यूटिव, सर्च किया मैंने। अब यहाँ पे वैकेंसीज आती है, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक बेवरेज, वरुण बेवरेज लिमिटेड की एक एड आया हुआ है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए TVFC बिजनेस सॉल्यूशंस, ये सब तो ये होगा, हाँ ये होगा MLL एक्सप्रेस जो आ रहा है, कुछ कंपनी जैसे कंसल्टेंसी कंपनी है ना, इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं। टेक महिंद्रा हो गया, रॉयल टेक इन कॉर्पोरेशन हो गया, 5 से देखते हैं। अब इतने सारे वैकेंसीज में किसी एक में भी क्या AI के बारे में मांगा है? तो यहाँ देखिए, यहाँ कहीं भी AI का जिक्र नहीं है, कहीं भी चैट जीपीटी का जिक्र नहीं है, देख सकते हैं कहीं नहीं है। दूसरा, अब इस पे आते हैं, रोल भी यहां पे देख सकते हैं, यहां भी कहीं भी AI के बारे में नहीं बोला है कि आपको चैट जीपीटी आना चाहिए, AI से रिलेटेड आनी चाहिए, ये आपको नहीं आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे एमएल एक्सप्रेस जो है, ये पुणे की कंपनी है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है SQL VV Oracle के स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, माइक्रो एक्सेल अच्छे से आना चाहिए,
कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहीं भी आपको बताया कि आपको चैट जीपीटी एआई का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए? नहीं, यहाँ भी नहीं है। अब चलिए ये तीसरा हमारा आता है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पे आते हैं, डैक्स फंक्शन यहाँ करना चाहिए, अजी भी नहीं, यहाँ भी कहीं ऑप्शंस नहीं है। और यहाँ पे आते हैं एमआईएस रिपोर्ट में, आपके सामने नहीं। तो मैंने यहाँ कई तीन सीट, मैंने कि मैंने कई पांच सात जो टॉप के जो है हमारे उनको देखा, और उनके में अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग लोकेशंस है, कहीं भी आपको यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एआई, आपको चैट जीपीटी जैसे चीज आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तो चैट जीपीटी और ये जो चीजें जस्ट गूगल सर्च की तरह आपको एक सर्च करे, और अगर एआई जो कर ही रहा है तो आपको खुद आना चाहिए, उसमें फिर करने का जरूरत है। इस तरह के क्वेश्चन तो आप भी पूछ सकते हैं ना। अब इतने होशियार तो होंगे कि चैट जीपीटी से इस तरह से क्वेश्चन पूछ करके या रिजल्ट को लेके आप इम्प्लीमेंट कर सके, तो इसको सीखने की क्या जरूरत है। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि अगर हम बहुत सारे वीडियोज में आप देखेंगे कि वो लोग एडिंस ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने सर्च किया था चैट जीपीटी और इन्होंने इसका इस्तेमाल किया, दिख रहा होगा आपको चैटजीपीटी फॉर एक्सेल। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे जो है तीन चार चीजें हैं, जैसे कि एआई टेबल, एआई आपके पास क्रिएट डेटाबेस इन द सेकेंड्स, उसके एआई आर्क्स, यहाँ पे एआई एक्सट्रैक्ट, तो एआई ट्रांसलेट, या एआई आपका सिंपल सर, इसमें इसके अंदर में जो है कुछ लिमिटेड चीजें दी गई है जिसका फंक्शन दी गई है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके लिए भी आपको परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। और परचेजिंग में ऐसा नहीं कि इसकी बहुत नॉमिनल सा फीस है, फीस मंथली बेसिस पे इसकी होती है। और ये जैसे कि अगर हम बात करें को पायलट की, तो को पायलट का यूज जो है प्राइस 2,2400 समथिंग मंथली है, मतलब 24 के प्लस जीएसटी, मंथली सिस्टम है पर यूजर। इस तरह से हर किसी का इसका कुछ ना कुछ पेड के लिए आपसे मांगेंगे। तो कंपनी जिस तरह की सारे के सारे टूल्स को नहीं खरीद सकती, और चैट जीपीटी से और एआई से रिलेटेड बहुत सारे एडिंस मिलेंगे, कितने एडिंस आप सीखते रहेंगे और यूज करते। दूसरी चीज है कि एडिंस डाउनलोड करने की परमिशन आपकी कंपनी में होगा या नहीं होगा, ये भी तो जरूरी है ना। दूसरी चीज, आपके सामने देख रहा है कि एआई ने मुझे क्या ये दिया, फॉर्मूला दिया, और हमने क्या लगाया, तो बोले क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस कॉपी पेस्ट कर दिया, मैं लगाया तो नहीं। बात सही है, तो आप सिंगल सेल पे कर सकते हैं ना, लेकिन जब बात होगी एक पर्टिकुलर डेटा बेस में, उसमें इस तरह के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जहां हजारों लाखों सेल्स होंगे, तो वहां पे आपका एक्सेल बहुत ज्यादा स्लो चलेगा। इन तरह की एड पे आप सोच समझ के इंटरेस्ट दिखाएं, 99 रुपये या 500 रुपये जो भी फीस है उनकी, आप उनको उसके हिसाब से पे करें, देखें कि जरूरत है या नहीं चाहिए, और उनके दी गई वीडियोज, उनके यूट्यूब पे, इसके फेसबुक पे कमेंट्स को चेक करें कि क्या समझे, कि मेरे पास, मैंने एक ऐसे सैंपल में अपलोड किया था तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, जो भी है। तो एक बार आप ध्यान से देखें, और मैं पिछले 17 सालों से क्लासेस दे रहा हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूँ। ऐसी छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारा बैच शुरू हो रही है आज रात को 8 बजे, एडवांस एक्सप्रो वीवी माइक्रो 1-to-1 एक्सपर्ट की क्लासेस है, और इसमें हम एआई के बीच बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरी तरह से एआई बेस्ड नहीं होगा। हम आपको पहले सिखाएंगे और सिखाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एआई का सोल्यूशन देंगे। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एनरोल करने के लिए। थैंक यू।